हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आई होप एवरीवन डूइंग अमेजिंग। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, हाय माय नेम इज कोमल। मैं अपने चैनल पे क्रिएटिव रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उसके बाजू में जो छोटू सा बेल आइकन होगा उसे दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ये मैंने साटिन का फैब्रिक लिया हुआ है और ये फैब्रिक 1.25 मीटर का है। आज हम राउंड कुशन कवर बनाना सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी टोटल विड्थ है 45 इंच और इसकी टोटल लेंथ है 49 इंच। इस तरह से हमें फैब्रिक को सेट कर देना है। चलिए हम ड्रॉ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें 3 इंच लेना है। 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। इसी तरह से हम हाफ कपड़े पर भी 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमें 1 इंच के 6 बॉक्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमें 2 इंच छोड़ देना है। फिर हमें 1 इंच के 4 बॉक्स बनाने हैं। फिर हमें 2 इंच छोड़ देना है। नेक्स्ट हमें 1 इंच के 6 बॉक्स बनाने हैं। लास्ट में हमें 3 इंच छोड़ देना है। इसी तरह से हमारा टोटल विड्थ है 26 इंच। इसी तरह से हम हाफ कपड़े पर भी मार्किंग कंप्लीट करके लेके आएंगे। हमने हाफ कपड़े पर भी मार्किंग कंप्लीट कर दिया है। अब हम लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम पूरा मार्किंग कंप्लीट करके लेके आएंगे। ये आप देख सकते हो, हमारी एक साइड की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेंथ के साइड से मार्किंग करेंगे। जहां से हमने 3 इंच पर मार्किंग किया था, वहीं से हम 1 इंच पर मार्किंग करते हुए जाएंगे। इस तरह से हम दूसरे साइड पर भी 1 इंच पर मार्किंग करते हुए जाएंगे। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे।
ये आप देख सकते हैं 1-1 इंच के बॉक्स बन रहे हैं। इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक पर मार्किंग कंप्लीट करके लेके आएंगे। आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट बॉक्स हमें छोड़ देना है, सेकंड वाले बॉक्स पर हमें ड्रॉ स्टार्ट करना है। फर्स्ट बॉक्स छोड़ देना है, सेकंड वाले बॉक्स पर हम एरो की मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स छोड़ना है, सेकंड वाले बॉक्स पर एरो की मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट हमें फर्स्ट बॉक्स पर एरो की मार्किंग करनी है। एक बॉक्स छोड़ेंगे, सेकंड वाले बॉक्स पर एरो की मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट हमें एक बॉक्स छोड़ना है, सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है। एक बॉक्स छोड़ेंगे, सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट फर्स्ट बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है। नेक्स्ट हमें 2 इंच छोड़ देना है, उसके नेक्स्ट वाले बॉक्स पर हमें फर्स्ट बॉक्स छोड़ना है, सेकंड वाले बॉक्स पर मार्किंग करनी है। फिर हमें नेक्स्ट फर्स्ट बॉक्स पर एरो की मार्किंग करनी है। एक बॉक्स छोड़ेंगे, सेकंड वाले बॉक्स पर एरो की मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट हमें फर्स्ट बॉक्स छोड़ना है, सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है। नेक्स्ट हमें 2 इंच छोड़ देना है, उसके नेक्स्ट वाले बॉक्स पर हमें फर्स्ट बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है। नेक्स्ट हमें फर्स्ट बॉक्स छोड़ना है, सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है। नेक्स्ट हमें फर्स्ट बॉक्स पर एरो की मार्किंग करनी है। नेक्स्ट हमें फर्स्ट बॉक्स छोड़ना है, सेकंड वाले बॉक्स पर एरो की मार्किंग करनी है। इसी तरह से हम पूरा मार्किंग कंप्लीट करके लेके आएंगे। आप देख सकते हैं हमारा पूरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट एरो की मार्किंग है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और थर्ड कॉर्नर, इस तरह से हम इसे सिलेंगे। स्टार्ट में हमें फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और थर्ड कॉर्नर, इस तरह से हमें तीनों लीव्स को पकड़ना है और यहाँ पर डबल नॉट लगाना है। इसी तरह से हम फर्स्ट लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर हमें सेंटर में सिंगल लाइन कंप्लीट करना है, फिर एरो की मार्किंग कंप्लीट करना है, फिर सिंगल लाइन कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है। इसी तरह से हमें फर्स्ट लाइन कंप्लीट करना है, फिर हम सेकंड लाइन पर जाएंगे। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और थर्ड कॉर्नर,
इसी तरह से हमें तीनों लीव्स को पकड़ना है और डबल नॉट लगाना है। अब हम थर्ड लाइन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर हम इसे सिलेंगे, फिर बाद में सेकंड बॉक्स पर फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। फिर हम सेकंड बॉक्स पर जाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर इस तरह से दोनों लीव्स को पकड़ेंगे और यहाँ पर डबल नॉट लगाएंगे। इसी तरह से हमें फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट करना है, फिर हमें सेकंड बॉक्स पर जो सिंगल लाइन है वो कंप्लीट करना है, फिर एरो की मार्किंग कंप्लीट करना है, फिर ये सिंगल लाइन कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करके लेके आएंगे और फ्रंट साइड से हमारे डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करके लेके आएंगे। हमारा पूरा डिजाइन बनके रेडी हो चुका है। फ्रंट साइड से इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें विथ के साइड से जो एक्स्ट्रा लीव्स है उन्हें सिलना है। इसी तरह से हमें विथ के दोनों साइड पर सिलाई कंप्लीट करना है, फिर साइड के जो लीव्स है उन्हें सिलना है। इसी तरह से हमें पूरा एक एक लीव्स कंप्लीट करना है। जितने लीव्स बनेंगे हमें उतने ही बनाने हैं। आप देख सकते हो हमारे
लीव्स बन रहे हैं, इसी तरह से हमें दूसरे साइड पर भी सेम सिलना है। फिर बाद में हमें दोनों फैब्रिक को इस तरह से ज्वाइन करके सिलाई कंप्लीट करके लेके आना है। हमने सेंटर में एक सिलाई पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हमें एक साइड से धागे को खींच लेना है। हमें धागे को बैक साइड से ही खींचना है। अब हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब हम इसमें कॉटन भरेंगे। इस तरह से हमने पूरा कॉटन भर दिया है। अब हमें धागे को खींच लेना है। अब हम यहाँ पर डबल नॉट लगा देंगे। ये आप देख सकते हो हमारा कुशन पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें बटन लगाना है। आप चाहे तो मार्केट में से रेडीमेड भी बटन लगा सकते हो या फिर इस तरह से घर पे भी बना के रख सकते हो। मैंने बटन पहले से ही बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम डबल नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर लेंगे।